राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एसएसके इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। 28 सितंबर से शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने पूरी निष्ठा से भाग लिया। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में योग से लेकर सकारात्मक विचारधारा पर संदेश दिया गया। शिविर में वक्ताओं ने श्रोताओं को बताया कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य देश में शांति और संपन्नता लाना है, सभी धर्मों का आदर करना है, मनुष्य का परम धर्म सभी धर्मों का आदर करना है। देश जितना सकारात्मक सोच रखेगा उतना भविष्य उज्जवल होगा। पूर्ण कर लिया है सभी कुशाग्र बुद्धि के ये स्वयंसेवक, किसी भी प्रकार की परेशानी में। यहाँ पर 7 दिन का ITC कैंप चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 7 दिवसीय प्राथमिक शिक्षा वर्ग। इन 7 दिनों के वर्ग में एक स्वयंसेवक को बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल किया जाता है, ताकि आत्मरक्षा के लिए युद्ध सिखाते हैं और दूसरे पर वार करने के लिए दंड भी सिखाते हैं। वो अपनी रक्षा के साथ साथ अपना दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं, इतना मजबूत हम उनको बना देते हैं। दूसरा बौद्धिक विकास हो गया, प्रतिदिन 3 बौद्धिक के सत्र चलते हैं, जिसमें एक बैठक होती है, एक चर्चा होती है और तीसरा बौद्धिक होता है। बैठक में किसी बिंदु पर विचार किया जाता है, चर्चा में सभी को किसी विषय पर, समसामयिक विषय पर चर्चा की जाती है, जिसमें स्वयंसेवक का मानसिक विकास भी होता है। अब तीसरा जो बौद्धिक सत्र है, उसमें हमारे संघ के अधिकारी आते हैं, किसी विषय पर 7 दिन में 7 अलग अलग विषयों पर उन्होंने बच्चों को बौद्धिक विकास में उनकी मदद की है, उनको इतनी शिक्षा या फिर क्या जानकारी इनको दी है कि वो आगे भी संघ का काम भी और अपने स्तर को भी आगे बढ़ा पाएंगे। आज के मुख्य अतिथि कौन है आपके? आज के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश शास्त्री जी हैं।